शायद यही टापू है। हमें रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है, लेकिन क्या ये सच है? होते हैं
पानी जब हवा में होता है तो ठंडा हो जाता है और पानी की बूंदों में बदल जाता है। अगर पानी की बूंदें बड़ी और भारी हों तो वो बारिश में बदल कर गिरना शुरू कर देती हैं। पानी के बहाव के कारण जब वो बिजली से टकराती हैं तो बादल गरजते हैं। मुझे कुछ पूछना है। आज तो कमाल हो गया, नोबिता भी सवाल पूछ रहा है। मुझे पूछना है कि क्या जन्नत भी बादलों में होती है सर? नोबिता, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जन्नत बादलों में कैसे हो सकती है? नोबिता, तुम जन्नत के बारे में क्या कह रहे थे? तुम इतने बड़े हो चुके हो नोबिता, लेकिन अब भी तुम बच्चों के ही तरह सपनों की दुनिया में हो। तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाले कि जन्नत होती है नहीं? मुझ पर हंस रहे हो? क्या कभी बादलों पर गए भी हो? अगर ऐसा कुछ है तो हमें सबूत दिखाओ नोबिता। तो ठीक है, मैं तुम्हें जन्नत का सबूत जरूर दिखाऊंगा। हटो। नोबिता रुको, हम सबूत का इंतजार करेंगे। नोबिता आज भी बहुत लेट हो गया है। लगता है उसे फिर से स्कूल में रुकना पड़ा होगा काम करने के लिए। मुझे उसकी चिंता हो रही है। शिज़ुका से पूछता हूँ, क्या वो लाइब्रेरी गया था? ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं वो लाइब्रेरी क्यों गया होगा। मैं आ गया। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम लाइब्रेरी क्यों गए थे? ऐसे ही। तुम तो लाइब्रेरी कभी नहीं जाते। तुम्हें कौन सी किताब चाहिए थी? जन्नत के बारे में कुछ किताबें ढूंढने गया था डोरेमोन, इसलिए थोड़ी देर हो गई। हाँ? इन्हें देखो, मुझे जन्नत के बारे में बहुत सारी किताबें मिली हैं। क्या सच में? इसमें लिखा है कि कोई इंसान बादलों में किसी से मिला था, और इसमें लिखी हर एक बात बिल्कुल सच है डोरेमोन। यकीन नहीं होता। एक नदी के किनारे पर एक मछुआरा रहता था जिसका नाम हकुरियो था। एक दिन उसे बहुत ही सुंदर उड़ने वाला कपड़ा मिला। तभी बादलों से एक लड़की उस कपड़े को लेकर गायब हो गई, और उसके बाद उस लड़की को कभी किसी ने नहीं देखा। दिलचस्प लग रहा है, जरा मैं भी देखूं। ऐसा ही कुछ बहुत पहले चाइना में भी हुआ था। वहाँ का एक बहादुर आदमी बादलों में चला गया था। उसके बाद यूरोप के बादलों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आदमी रहा करता था जो सबको परेशान करता रहता था। जापान और दूसरे देशों में जन्नत के देवता बादलों पर ही रहा करते थे। इसका मतलब हमारी पृथ्वी के ऊपर वाले बादलों में बहुत सारी जन्नत है। मुझे तो उसमें कोई हंसने वाली बात नहीं लगी। माफ करना नोबिता, ये सारी कहानियाँ जो तुमने अभी सुनाई ये सिर्फ लोक कथाएं हैं, समझे? हाँ, तुम ये कहना चाहते हो कि पुराने लोग झूठे थे, है ना? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जरा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ठीक है, चलिए क्लाउड्स की मूवमेंट देखते हैं। जापान के सैटेलाइट से ली गई है। बादल ऐसे दिखते हैं, और ऐसी बहुत सी और भी सैटेलाइट है जो स्पेस में रहकर पृथ्वी पर नजर रखती है, समझे नोबिता? अगर स्पेस में एक मिसाइल भी लॉन्च होती है तो उसका पता रेडार में चल जाता है। इसलिए अगर वहाँ जन्नत होती तो अब तक उसका पता चल जाता नोबिता। बिना सपनों की दुनिया तो बहुत बोरिंग है। जन्नत के बारे में क्या कह रहे थे नोबिता? नोबिता को कुछ नहीं पता जिया। नोबिता, इसके बारे में और ज्यादा मत सोचो। मैंने कहा ना, जन्नत नहीं होती। अरे तुम कहाँ जा रहे हो नोबिता? जन्नत ढूंढने जा रहा हूँ। गुड बाय, मैं तुम सबको जन्नत से देखूंगा। कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा। अगर मैं इस तरह की बातें करूंगा तो डोरेमोन मेरी चिंता करेगा और मेरे पीछे पीछे आएगा। हाँ, नहीं आ रहा ये डोरेमोन भी ना, इसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। अब मैं उससे बात भी नहीं करूँगा। हाँ? बादल पर बैठ सकता हूँ? अरे नहीं, कहीं ये जन्नत तो नहीं है। देखो मैं हूँ डोरेमोन। डोरेमोन ये तुम थे? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने देखा कि तुम गिर रहे थे, इसलिए मैंने क्लाउड हार्ट गैस का इस्तेमाल किया। डोरेमोन देखो नोबिता, जन्नत ढूंढने से तो अच्छा है
कि हम लोग अपनी जन्नत खुद ही बना लें। अरे हाँ, ये हुई ना डोरेमोन वाली बात। तुम भी ना। मैं यहाँ अपनी खुद की जन्नत बनाऊंगा। कितना मजा आएगा जब यहाँ मेरी खुद की जन्नत होगी। मैं अपनी खुद की जन्नत बनाऊंगा और वहाँ का राजा बन जाऊंगा। शहर से भी ज्यादा बड़ा बनाएंगे। अरे ये क्या, बादल तो पानी की बूंदों से बनता है ना। सुनो डोरेमोन, क्या हुआ? अगर बादल सख्त होगा तो वो बर्फ बनकर नीचे गिर जाएगा, है ना? तुम तो बहुत समझदार हो नोबिता। तुम्हारा सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब देने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस जगह को और बड़ा बनाते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा बादलों को सख्त करूँगा। बड़ा बनाने में बहुत वक्त लग सकता है, अब क्या करें? थोड़े थोड़े बादल लेकर हम उनकी डॉल्स बना लेते हैं। इस तरह रोबोटर। अब मैं इसे डॉल के अंदर डाल देता हूँ और हम क्लाउड रोबोट्स बनाते हैं जो हमारी मदद करेंगे। तुम इतनी देर से घर आए हो, कहाँ थे तुम? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसके जवाब के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। मॉम, मैं इस लड़के का क्या करूं? तो देर किस बात की डोरेमोन, चलो ना अपनी जन्नत बनाए। हाँ, और उसमें हम पहाड़, नदियाँ, जंगल और झील भी बनाएंगे, ठीक है ना नोबिता? सुबह होने का इंतजार नहीं हो रहा। मैं जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्त? हे नोबिता, तुम्हें अभी तक कोई जन्नत मिली क्या? हाँ मिली। अरे आज ही इतना खुश क्यों है सुनियो? जी आन, मुझे तो इसमें जरूर कोई गड़बड़ लग रही है। सर, मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। मुझे पता है आप मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर देंगे। तो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ सर, और अभी मैं जा भी रहा हूँ। देखो सुनियो, इसे सजा मिली है फिर भी ये इतना खुश क्यों है? जरूर कुछ गड़बड़ है जियान। मैं जा रहा हूँ। अरे पर नोबिता, गड़बड़ ही गड़बड़ है, चलो इसका पीछा करें। क्या महल? प्लीज मेरे लिए एक अच्छा सा महल बना दो ना। क्या तुम मुझे बताओगे नोबिता, कैसा महल बनाना है? एक ऐसी जगह जहाँ तुम राजकुमारी हो और शान से रह सकती हो। मुझे तुम्हारे सपनों का महल बनवाना है। इसे बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। एक खूबसूरत राजकुमारी के लिए जो है। काफी देर हो गई, आखिर ये हो क्या रहा है? शुक्रिया। इसके पूरे होने का इंतजार करो। बाय। अरे नोबिता, ये तो बड़ा होता जा रहा है। और ये सब सिर्फ इन क्लाउड रोबोट्स की वजह से हुआ। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पता है, मैंने इन रोबोट्स में सोलर बैटरीज भी डाल दी हैं। मैंने महल बनवा लिया है। जरा मुझे भी दिखाओ। वाह, बहुत सुंदर है ये महल। उस पहाड़ पर अच्छा लगेगा। तो चलो अब हम काम शुरू करते हैं। काफी सारी जगह को लेवल करना होगा डोरेमोन। मैं वहाँ जाकर नदी बनाता हूँ। ठीक है। मैं नदी को इस पहाड़ से बहते हुए दिखाना चाहता हूँ। फ्लोटिंग वाटर गैस। इस तरह ये नदी सुंदर लगेगी। क्या बात है नोबिता? यह का काम पूरा हो गया है। तुमने तो बहुत जल्दी कर लिया। चलो अब जल्दी से महल बनाते हैं डोरेमोन। लेकिन उसके लिए हमें और क्लाउड रोबोट्स चाहिए। रोबोट्स, तुम्हें नोबिता का महल बनाने में हमारी मदद करनी है, ठीक है? प्लीज। ऑटो मल्टीपल कंस्ट्रक्शन मशीन।
इसके अंदर शिज़ुका का बनाया हुआ डिजाइन डाल देता हूँ। स्विच ऑन करो। अब तुम देखना, रोबोट्स और मेरे इस गैजेट की मदद से तुम्हारा महल अपने आप तैयार हो जाएगा। अभी इसे बनने में बहुत देर है, क्यों ना तब तक हम दूसरे काम कर ले नोबिता। प्लांट सीड सीरीज। चलो चलकर इन बीजों को फैला देते हैं। ठीक है। जानती हो नोबिता, मैंने बीज के साथ खाद भी मिला दी है। फिर यहाँ बहुत हरियाली होगी ना, मजा आएगा। काम पूरा हो गया? आज तो बहुत थक गया। क्यों ना अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। चलो रेस्टोरेंट और होटल्स भी बनाते हैं, और साथ में हम बनाएंगे गेम सेंटर और टॉय शॉप्स। फिर तो हमें यहाँ बहुत मजा आएगा। क्या हुआ? अरे नहीं, यहाँ एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। अगर उन्होंने हमें इस जगह पर देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी नोबिता। तुमने ठीक कहा, वो इधर ही आ रहा है। अब क्या करें? मैजिक डोम। इस गैजेट की मदद से हम इस जगह को पूरी तरह ढक देंगे ताकि बाहर से वो हमें ना देख पाए। बाहर से देखने पर उन्हें ये बादल जैसा ही लगेगा। बहुत बढ़िया। देखा, वो इस जगह को देख ही नहीं पाए। लेकिन हमें इस बादल को इस जगह से कहीं और ले जाना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि इस बादल के नीचे जितने भी घर हैं उन तक धूप नहीं पहुंच रही। अरे हाँ, चलो समुद्र में चले। क्या इस बादल को चला सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या ये इससे चलेगा? हाँ ये बहुत तेज चलता है। मेरे ख्याल से पैसिफिक ओशन सही रहेगा, है ना डोरेमोन? बहुत बढ़िया नोबिता, वहाँ हमारे पौधे भी तेजी से बड़े होंगे। धरती के बीचों बीच पहुंच गए हैं। अच्छा रहेगा अगर मैं इसे ऑटो विंड पर कर दूं। अरे क्या हुआ? जरा वहाँ देखो, कितने सारे कटे हुए पेड़ हैं। लगता है यहाँ पर बाढ़ आई थी। पत्तियाँ तो अभी भी हरी हैं। यहाँ आसपास तो बिल्कुल भी जमीन नहीं है और ना ही टापू है, तो ये कहाँ से बहकर आए? हाँ डोरेमोन, उस झाड़ी ने कुछ हिला, देखो। यहाँ तो कुछ नहीं है। शायद यहाँ आसपास शायद तुमने किसी मछली को देखा होगा। चलो अंदर चलकर देखते हैं। मैं यही इंतजार करूँगा डोरेमोन। ठीक है तो मैं ही जाता हूँ। यहाँ नीचे तो बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। डोरेमोन जल्दी बाहर आओ ना, क्या कर रहा है? अगर सब कुछ ठीक है तो चलो वापस चले। अरे उस बादल में अरे नोबिता, तुम यहाँ कैसे? डोरेमोन जरा वहाँ देखो, वो बादल। चलो यहाँ से। तुम्हें पता है ये एक तूफानी बादल है नोबिता। अरे डोरेमोन, हमारी जन्नत कहाँ है? तुम यहीं रुको, मैं उस तरफ ढूंढ कर आता हूँ। ये सब क्या हो रहा है नोबिता? हाँ? इधर आओ, ये रहा हमारा जन्नत। देखो जो बीज हमने डाले थे उससे घास उग गई। अरे वाह, छोटे छोटे पौधे भी उगने लगे हैं। अरे ये महल का काम तो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्शन मशीन है। अच्छा ऐसी बात है, तो बढ़ा दो ना। मजाक मत करो नोबिता, कंस्ट्रक्शन मशीन और रोबोट बहुत महंगे आते हैं। इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अब ये बताओ, इसे पूरा होने में और कितने दिन लगेंगे? जिस तरह से काम चल रहा है शायद 2-3 साल लग जाए। 2-3 साल? डोरेमोन मजाक का वक्त नहीं है, ठीक है ना? मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कंजूस कहेंगे। मुझे कंजूस मत बोलो।
स्कूल का दोस्त यामाडा बहुत अच्छा कर रहा है, जानती हो उसने अपनी कंपनी शुरू कर ली है। ये तो अच्छी बात है। और उसने कहा कि मैं उसकी कंपनी में शेयर्स खरीद लूं। अरे पर हमारे पास पैसे कहाँ हैं इतने? हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं मॉम डैड? तुमको तुम्हारा पॉकेट मनी जरूर मिल जाएगा। शेयर्स का मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी पैसा इकट्ठा करना चाहती है तो लोग उसे पैसे लेकर उन्हें हिस्सेदार बनाती है, उन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं। कुछ समझे नोबिता? मेरी बात से गाइड ही आया। ध्यान रखना सुनियो, आज नोबिता बचना नहीं चाहिए। वो आ रहा है। हे नोबिता, भागने की कोशिश मत करना। अरे जियान, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम आज बहुत अच्छे वक्त पर मिले हो, मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ, हम अपनी जन्नत बनाएंगे। हाँ, हम सिर्फ अपने लिए एक जादुई जन्नत बनाएंगे दोस्तों। ये बहुत बड़ा काम है, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें तुम्हारी भी मदद चाहिए। हम चाहते हैं कि इस काम में तुम लोग हमारी मदद करो। पर हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि तुम हमारे शेयर्स खरीदो और फिर हमारी जादुई जन्नत आसानी से बन जाएगी। एक शेयर सिर्फ 100 रुपए का ही है। क्या, तो तुम ऐसे जन्नत बनाओगे? मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सुना नोबिता। ये मेरा आइडिया है। सुनो शिज़ुका, तुम तो हमारी शेयर होल्डर बनोगी ना? मेरे पास इस वक्त कुछ ज्यादा पैसे नहीं है, पर ये है, ये ले लो। बहुत बढ़िया, मेरे पास तो शिज़ुका से भी कम पैसे हैं। ये क्या बात हुई? इतने कम पैसों से भला क्या होगा, मैं अपनी पॉकेट मनी से 30,000 कॉइंस दूंगा, उम्मीद है वो कम नहीं पड़ेंगे, है ना? इतने सारे पैसे? सर आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठ जाइए। तुम्हारे लिए जूस। तुम्हारा शुक्रिया। नोबिता, अब मुझे गैजेट्स खरीदने के लिए फ्यूचर में जाना होगा, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तब तक क्यों ना तुम अपने दोस्तों को अपना महल दिखा दो, कैसा रहेगा? ठीक है। अरे वाह, यकीन नहीं होता ये जगह बादलों के ऊपर है। पहाड़, जंगल और झील भी यहाँ है, और देखो शिज़ुका का डिजाइन किया हुआ महल भी वहाँ बन रहा है। हम लोगों को पुलिस का भी ध्यान रखना होगा। आजकल पुलिस बहुत ध्यान दे रही है, इसलिए हम लोगों के लिए शिकार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी हम हाथी दांत को बहुत ऊंचे दाम पर बेच सकते हैं। जन्नत है। बहुत बढ़िया, यहाँ तुम जो चाहो वो कर सकते हो दोस्तों। मॉम और सर्फी यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ जियान ना होता तो और भी अच्छा होता। क्या कहा? मजाक कर रहा था। तो अब तुम इस जगह पर घूमने के लिए तैयार हो? सोलर कार। ये सोलर बैटरी से चलती है, इसलिए इसमें से धुआं भी नहीं निकलता, जिससे प्रदूषण नहीं फैलता। और ये कितने अच्छे से चल रही है। अरे हमारे घर कहाँ गए? मैं
मैंने सारे घर झील के पास बनाए हैं। तुम्हारे सामने एक ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत अच्छा बेसबॉल खेलता है। अरे तो ये थी एक मजेदार कहानी। अब अगली खबर पर चलते हैं। और अगली खबर कुछ इस तरह है। अमेज़न जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक हरा भरा वर्षावन 1 किलोमीटर के घेरे में रातों रात गायब हो गया है। और ये रही ताजा तस्वीर। वहाँ के लोगों के अनुसार जंगल रात को आकाश में उड़ गया और बादलों में गायब हो गया। आइए इस बारे में विशेषज्ञ की राय लेते हैं। हैरानी की बात है, ये कैसे हो सकता है? चलो छुपते हैं वहाँ पर। लेकिन बादलों में भूकंप नहीं आता है। मुझे लगता है हमारा जन्नत उड़कर कहीं चला गया है और शायद किसी पहाड़ से टकरा गया है। चलो चलकर देखें। बहुत ही खतरनाक है। हमें महल के बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे देखना चाहिए। देखो बादल के नीचे तूफान आ रहा है और इस तूफान में हमारी जादुई दुनिया भी फंस गई है। बहुत बड़ा कछुआ है और उसके ऊपर एक लड़का लेटा है। अरे कहीं उराशिमा तारो तो नहीं? मुझे तो यकीन नहीं होता। एक कछुआ यहाँ पर क्या कर रहा है? कछुए तो ठंडी जगहों पर होते ही नहीं, तो ये यहाँ पर कैसे? पर ये दिखने में तो कछुआ ही लग रहा है। चाहे जो भी हो, हमें इस लड़के की मदद करनी होगी। क्या
क्या अब हम सो सकते हैं? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थक गया। मैं उस अजीब से कछुए के बारे में पता कर रहा हूँ नोबिता। मुझे नींद आ रही है। मिल गया। सच में मिल गया डोरेमोन। क्लिप्टोडॉन? चलो देखते हैं। ये अजीब सा कछुआ करीब 10,000 साल पुराना है और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाया जाता था। उस समय ये बहुत ज्यादा थे। अरे उसके बाद उनका खूब शिकार किया गया जिसकी वजह से वो दिखाई देना बंद हो गए। इसका मतलब ये तो बहुत बड़ी खोज हुई। चलो इसे ढूंढते हैं। कल ढूंढ लेंगे ना, क्योंकि आज मैं बहुत थक गया हूँ। शहर को बहुत कम वक्त में बना लिया। बहुत बढ़िया, मैं ऐसी ही जगह पर रहना चाहती हूँ। ये वक्त उनकी तारीफ करने का नहीं है। मुझे यकीन है इंसानों के पास ऐसी कोई तकनीकी नहीं है। हमें उस लड़के को ढूंढना होगा। कम से कम क्लिप्टोडॉन को सही सलामत ले आए हैं। मिल गया, वो महल में है। पहाड़ पर कर क्या रहा था? अगर वो लड़का ठीक होगा तो उससे पूछते हैं। शायद अब वो ठीक हो गया होगा। वो कहाँ चला गया? शायद वो कहीं भाग गया डोरेमोन। आखिर वो यहाँ से क्यों भाग गया? शायद वो डर गया होगा जब आँख खुलने पर उसने खुद को अकेला पाया होगा। ठीक है, मैं उसे ढूंढता हूँ। जी हाँ, जरा मेरी बात तो सुनो। ये एक छोटी सी जगह है लेकिन यहाँ पर घने जंगल और पहाड़ भी है। तुम्हें उसे ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। मेरे पास एक गैजेट है जिससे हम उसे आसानी से ढूंढ लेंगे। फाइंड आउट मिसिंग किड मशीन, किचन टाइम। अरे ये तो बहुत अच्छी खुशबू है। ये खुशबू इस बादल पर हर जगह फैल जाएगी जिससे वो लड़का यहाँ खींचा चला आएगा। लेकिन ये बताओ कि वो कितनी जल्दी यहाँ आएगा? वो जितना भूखा होगा उतनी जल्दी आएगा। पर अगर उसकी नाक बंद होगी तो? उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ठीक है, क्यों ना उसके आने तक यहाँ सो जाए। क्या कहते हो दोस्तों? हमने इतनी मेहनत से जन्नत बनाई है, सोकर वक्त क्यों बर्बाद करें हम? ठीक कहा सुनियो ने। क्यों ना हम यहाँ पर टेनिस का मैच रखें? इससे पता चल जाएगा कि हम सब में सबसे अच्छा टेनिस कौन खेलता है। नहीं, अब यहाँ पर एक गाने का कॉम्पिटिशन होगा, समझे तो? नहीं, तुम बेसुरा गाते हो। तुम कह रहे हो मैं बेसुरा गाता हूँ? तुमने मुझे बेसुरा कहा सुनियो? मेरी बात एक बार फिर कान खोल कर सुन लो। हमें तुम्हारा गाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुमने यहाँ पर भी गाया तो हम यहाँ से भाग जाएंगे जियान। देखो तुम्हें इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए सुनियो। सुनियो तो अब काम से गया। मैं तो कहता हूँ उससे माफ़ी मांग लो। इस जन्नत को बनाने के लिए मैंने सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं, 30,000 रुपए। और जो सबसे ज्यादा पैसे देता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है ना दोस्तों? ये तुम ठीक चाहे तुम कितने बड़े स्टॉक होल्डर हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो? अभी इसी वक्त जियान को रोकना होगा वरना सुनियो की बहुत पिटाई होगी। नोबिता जल्दी से उसे रोको। मुझे लगता है मैं उस खतरनाक जियान को रोक सकता हूँ। शिजुका, ये क्या है डोरेमोन? जिसके पास ये ताज है वही इस जन्नत का राजा होगा और सब लोगों को उसकी बात माननी पड़ेगी। मैं तो बाम्बू कॉप्टर के बिना भी उड़ सकता हूँ। जियान देखो वो रहे जियान और सुनियो। आखिर कब तक बचोगे सुनियो? मुझे बचाओ कोई। रुको सुनियो। जो राज्य की शांति को भंग करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। मैं नोबिता की बात क्यों मान रहा हूँ? तुम राज्य के खिलाफ जाना चाहते हो? नहीं,
लेकिन मैं ये क्या कर रहा हूँ? ज्यादा पैसे मैंने दिए हैं राजा, मुझे होना चाहिए। सुनो, हम सबको शांति से मिलकर काम करना है और खुशी खुशी राज्य का सपना पूरा करना है। मैंने बहुत काम कर लिया, अब आराम करते हैं। लेकिन ये वक्त आराम करने का नहीं है, भूल गए उस लड़के को भी तो ढूंढना है। अरे हाँ, लगता है ये गैजेट खराब है। अगर वो इस बादल पर ही कहीं है तो उसे यहाँ जरूर आना चाहिए। अजीब बात है, आखिर वो लड़का जा कहाँ सकता है? अरे हाँ, आइडिया, चलो उसी पहाड़ पर चलते हैं जहाँ हमें वो मिला था, शायद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तो चलो जल्दी से चले। स्पीड बढ़ाता हूँ। देखो वो रहा, हमें उस पहाड़ पर उतरना होगा दोस्तों। हाँ, जरा ध्यान से डोरेमोन। चलो सब लोग मेरे पीछे आओ। ठीक है। हाँ। वो कछुआ वहाँ से आया था और फिर वहाँ चला गया था, हमें मिलकर उसे ढूंढना होगा। नोबिता, तुम सबके स्नैक्स तैयार हैं, चलो जल्दी से नीचे आकर ले जाओ। पता नहीं कोई मुझे सुन भी रहा है कि नहीं, कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं ये बच्चे। अरे लगता है ये सब मुझसे झूठ बोलकर कहीं चले गए हैं। ये दरवाजा तो बंद है। अरे इसमें तो लॉक लगा हुआ है। ओह नोबिता, डोरेमोन, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे सुन सकता है कोई क्या? डोरेमोन, उन्होंने उसे अभी तक नहीं ढूंढा। समझ नहीं आ रहा ये लोग कर क्या रहे हैं। बादलों के बीच कुछ चमक रहा था। इस तरफ तो वो नहीं है, मुझे भी वो नहीं मिला और मैं बहुत थक गया हूँ। हम भी उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं। क्या तुमने अच्छी तरह ढूंढा उसे? तुम अपने राजा पर शक कर रहे हो? मुझे तो लगता है तुमने उसे ठीक से ढूंढा नहीं है। जब तक वो मिल ना जाए उसे ढूंढते रहो। तुम इस तरह बात क्यों कर रहे हो? अब तो तुम उसे अकेले जाकर ही ढूंढो, समझे नोबिता? क्या तुम राजा के खिलाफ जाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, हम तुम्हारे खिलाफ जाएंगे। डोरेमोन, ये इन्हें क्या हो गया? इस ताज की शक्ति सिर्फ जन्नत पर ही काम करती है। अरे रुक जाओ रुक जाओ, हमारी जन्नत गायब हो गई। क्या कहा नोबिता, जन्नत गायब हो गई? बेकार की बातें मत करो, हमारी जन्नत को तो यहाँ होना चाहिए था। हाँ, शायद वो हवा से उड़ गया। हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो? चलो जल्दी से उसे ढूंढें, हमें अलग अलग दिशा में जाकर उसे ढूंढना चाहिए। सब लोग अच्छी तरह ढूंढना, ठीक है? ठीक है। बाहर से सब बादल ही दिख रहे हैं, उसे कैसे ढूंढें? हमने यहाँ पर कितनी अजीब चीजें बनाई हैं। दोस्तों इधर आओ, इधर आओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे यहाँ कुछ अलग लग रहा है। क्या हुआ नोबिता? आखिर हमने तुम्हें ढूंढ निकाला। अभी कुछ हिल रहा था डोरेमोन। वो शायद क्लाउड रोबोट होगा। अरे ये तो डोडो है, जो बहुत पुराने जमाने में दिखते थे, अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मामत है। उसके ऊपर तो कोई बैठा है। जल्दी से कोई गैजेट निकालो। हाँ हाँ ठीक है। लगता है आप पृथ्वी से आए हैं, आपका मेघलोक में स्वागत है। ये क्या बोल रही है? इसका मतलब तुम बादलों में रहती हो और ये असली जन्नत है। तुम ठीक कह रहे हो। हाँ? देखा, जैसे मैंने कहा था, जन्नत होती है। वैसे आप कौन हो, एंजल या फिर कोई और? बताइए, हम जानना चाहते हैं। नहीं, मैं एक इंसान हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बस हमारी रहने की जगह अलग है। बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले घर चलिए। मैं सोच रही थी कि मेघलोक सपने की तरह खूबसूरत होगी, लेकिन ये जगह तो बिल्कुल पृथ्वी जैसी है। हमारे यहाँ बहुत सी खूबसूरत बड़े शहर है, और पता है मेघलोक कई राज्यों में बटा हुआ है और पृथ्वी के आकाश तक फैला हुआ है। वो देखो, उनका आधा शरीर ज़ेब्रा जैसा है। वो कुआगा और मार्सुपियल वुल्फ है, जो तुम्हें पृथ्वी पर नहीं मिलेंगे। रुको, हम तुम्हें खाना देते हैं ना, कमजोरों को परेशान करना बंद करो। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होंगे। कभी कभी ये इस तरह शरारत करते हैं, क्योंकि जब ये पृथ्वी पर थे तो ये शिकार किया करते थे। अरे वो तो जायंट मोआ है, ये 200-300 साल पहले विलुप्त हो चुके हैं।
वो बड़ा जानवर कौन है? ये मेगाथेरियम है, इसकी लंबाई 6 मीटर है। ये स्मेलोडॉन है, ये आइस एज के अंत तक खत्म हो गए थे। अरे वो तो नेसी है। हम इसे नेस्लीक से लाए थे क्योंकि ये भी विलुप्त होने वाला था। यहाँ वो जानवर रहते हैं जो विलुप्त हो रहे हैं? हाँ, ये विलुप्त होने वाली जानवरों के लिए एक सुरक्षित जगह है। मैं हूँ पारू पारू, एक कंट्रोलर, और वो रहा मेरा घर। बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम आराम करो। हाँ? मैं पृथ्वी के मेहमान ले आई हूँ। क्या तुम्ही बच्चों ने बादलों में जन्नत बनाई है? हाँ हाँ, मैं वहाँ का राजा हूँ। और मैं जन्नत का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। तुमने बहुत बुरा किया है। सरकार से आपको क्या आदेश मिला है? उन्होंने मुझे इन सब को लाने का आदेश दिया है। हो सकता है ये जासूस हो और हमारी दुनिया में जासूसी करने आए हों। लगता तो नहीं है। कोई बात नहीं, नोआस प्लान लागू होने वाला है। हम इन्हें पृथ्वी पर वापस जाने नहीं दे सकते हैं। तुम्हें इन्हें यहीं पर उलझा कर रखना होगा। सुनिए, आप लोग इतनी दूर से आए हैं तो क्यों ना मेघलोक को घूम लिया जाए? क्या कहा मेघलोक? हम जरूर घूमना चाहेंगे, लेकिन हमें वापस अपनी जन्नत नहीं जाना। चिंता मत करो शिजुका, हम वहाँ पर बाद में चले जाएंगे, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अरे हाँ, सही कहा। तो आप सब हमारे साथ रात में रुक रहे हैं ना? खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ की हर चीज बहुत स्वादिष्ट है। हमने ऐसा खाना कभी नहीं खाया, बहुत अच्छा है। हमने इसमें धूप, पानी और ऑर्गेनिक चीजें मिलाई हैं। आराम आराम से खाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। मुझे मजा ऐसे ही खाने में आता है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? अच्छा ठीक है। अरे जियान, आराम से खाओ। हम मेघलोक कल से देखेंगे, आज रात आप लोग आराम कर लो। ठीक है। वाओ, कितना सुंदर कमरा है। ये वाकई कमाल का है। वाह, ये बेड कितना ज्यादा नरम है। ये मुलायम है, लेकिन यहाँ पर रजाई नहीं है। अपनी तकिए के पास लगे लाल बटन को दबाओ। हाँ अच्छा ठीक है। अरे ये अजीब सी चीज क्या है? ये तो हल्का और नरम है, इसमें बहुत आराम मिल रहा है। ये तो बहुत आरामदायक है। मैं भी करके देखता हूँ। पीला बटन गाना सुनने के लिए है और सफेद बटन कमरे की रोशनी के लिए। अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट पारू पारू। गुड नाइट। गुड नाइट पारू पारू। मैं बहुत अच्छा सपना देखूंगा। अरे ये नीला बटन किस लिए है? हाँ? दीवार के पार दिख रहा है। हर तरफ तारों से भरा आसमान है। कितना सुंदर है। मैंने पहली बार इतना खूबसूरत आसमान देखा है। हवा भी ताजी है क्योंकि ये बादलों पर बना है। लगता है मेरा हाथ वहाँ तक पहुँच जाएगा। अरे वहाँ देखो, टूटता तारा। अरे ये तो यूएफओ है। यहाँ तो खूब सारे यूएफओ है। लेकिन ये सब आ कहाँ से रहे हैं? शायद एलियंस का हमला है। अब क्या करें? बेकार की चीजें देखना बंद करो। तुम्हें कल सुबह जल्दी उठना है, इसलिए चुपचाप सो जाओ। ये तो काफी गुस्से में थे। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। सुनियो, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे वॉशरूम जा रहा हूँ। अरे ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। इसका मतलब हमें बंद कर दिया? आखिर वो हमारे बारे में सोचता क्या है? जियान, तुम्हें कहीं लगे तो नहीं ना? जियान तुम ठीक हो? ठीक तो हो ना? लगता है उन्होंने हमें यहाँ बंद कर दिया। उसने अपने मेहमानों को लॉक कर दिया? ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब क्या करें? समझ नहीं आ रहा। पास थ्रू हूप। सबसे पहले हमारे जन्नत को ढूंढना होगा दोस्तों। अगर हम एनीवेयर डोर से नहीं जाएंगे तो हम अपने समय में नहीं पहुंच पाएंगे। जल्दी से भागो यहाँ से। जमीन उछलने वाली है, इसलिए बच गया।
लगता है ये जगह भी बादलों से बनी हुई है। मेरा स्कार्फ भी फट गया। डोरेमोन! पांचों बच्चे भाग गए, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ, हमें उन्हें जल्दी से वापस लाना चाहिए। वो इंसान है, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर वो कहीं जंगल में खो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ। पहले दक्षिणी टापू वाला लड़का और अब ये पांचों बच्चे, ये पृथ्वीवासी आखिर भागना क्यों चाहते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जियान, तुम ठीक तो हो ना? अरे लेकिन तुम्हारा बैम्बू कॉप्टर कहाँ है? लगता है कहीं गया। मेरा भी नहीं है। याद रखो, अगर डोरेमोन हमें नहीं मिला तो हम घर नहीं जा पाएंगे। लाए जा रहे हो बार बार, तुम थोड़ी देर चुपचाप नहीं रह सकते? मुझे बचाओ, कोई आकर बचा लो ना मुझे। काओ सब। ये तो किसी इंसान की आवाज है। अगर ये डोरेमोन और बाकी सब है तो अच्छा। हमें आखिर तीन बच्चे तो मिल गए। अच्छा है, पर बाकी लोग कहाँ पर हैं? मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी, वो मुझे भी नहीं मिले, वो यहीं गिरे थे। क्योंकि तुम बेकार में अपनी मर्जी से भाग रहे थे। तुम भागे क्यों थे? हम भागे नहीं थे, बस हमें गुस्सा आ गया था क्योंकि तुमने हमें बंद कर दिया था, समझे तुम? ये हमने तुम्हारे लिए ही किया था क्योंकि बाहर बहुत खतरा है, समझे? हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, हम लोग आजाद हैं, हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो जाओ जहाँ जाना चाहते हो। ठीक है, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हमें डोरेमोन मिल जाए फिर कोई परेशानी नहीं होगी। सही कहा। ध्यान से सुनो, इस जंगल में सब कुछ इतना आसान मत समझो। इस जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर घूम रहे हैं। ठीक है, अपना जाना हम थोड़ी देर के लिए टाल देते हैं। लेकिन हमें नोबिता और डोरेमोन की बहुत चिंता हो रही है। तुम उनकी चिंता बिल्कुल मत करो, उन्हें ढूंढने मैं जाऊंगा। उन्हें ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करना। ठीक है। ठीक है, चलो अब वापस घर चलते हैं। अच्छा है सुबह हो गई। रात को अजीब अजीब से जानवर घूम रहे थे, डर भी लग रहा था। अब मुझे जल्दी से डोरेमोन को ढूंढना है। लेकिन मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा, वो तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं डोरेमोन होता तो मैं मिसिंग पर्सन स्टिक का इस्तेमाल करता। अरे डोरेमोन, तुम आखिर मिल गए। डोरेमोन, मुझे मार क्यों रही हो? डोरेमोन, लगता है कल रात की बिजली से इसका कंप्यूटर खराब हो गया है। बल्ले 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 बल्ले। सुनो डोरेमोन, रुक जाओ। डोरेमोन शांत हो जाओ, हमें अपने दोस्तों को ढूंढना है और वापस पृथ्वी पर जाना है। तुम मेरी बात समझ गए डोरेमोन? डोरेमोन मेरे दोस्त को गैजेट निकाल लो। हाँ हाँ वही, लगता है ये मेरी बात समझ गया है। अरे डोरेमोन ने क्या किया? ला 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 ला। शांत हो जाओ, बस करो, कितना बोलोगे? मुझे लगता है मैंने ये गाना कहीं सुना है, मैं जाकर चेक करता हूँ। और तुम यहाँ से हिलना मत, समझ गए ना डोरेमोन? ये गाने की आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है? नोबिता। अरे हाँ, ये तो तुम ही हो। नोबिता कैसे हो? अरे तुम मुझे भूल गए, तुमने मेरे परिवार को बचाया था। अरे तुम हो ही हो ना? आओ इधर। हाँ, मैं हो ही हूँ, याद है तुमने मुझे बचाया था। मुझे याद आ गया, जब जंगल को काटा गया तो हमारा दोनजारा गांव भी गायब हो गया। नोबिता, तुम तो मेरे परिवार से मिले हुए हो ना, लेकिन जापान में फिर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहां हम शांति से रह पाते। और फिर तुमने अमेज़न के बीच हमारे लिए दोनजारा विलेज बनाया और हम वहां खुशी खुशी रहते थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता।
पर मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अमेज़न के बीच में भी हाईवे रोड और इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बन गए थे। जब हम इस चिंता में थे तो मेघलोक के लोग हमें यहाँ ले आए और हमारे लिए नया दोनजारा गांव बना दिया। ये बहुत ही अच्छी जगह है। नोबिता डोरेमोन, तुम जहाँ भी हो हम जा रहे हैं। चिंता मत करो, गोरियो उन्हें ढूंढ निकालेगा। वो उन्हें लेकर सेंट्रल स्टेट पहुंच जाएगा। इधर आओ। हाँ, लेकिन वो कौन सी जगह है? ये एक बहुत बड़ा और खूबसूरत शहर है। ये मेघलोक की राजधानी भी है। इसमें 12 राज्य हैं और ये पृथ्वी के आकाश में फैले हुए हैं, जो असली बादलों के बीच में से चलते रहते हैं। इसीलिए पृथ्वीवासी उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाते। तुम वो बादल देख रही हो? वो बादल यहाँ का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन ये बहुत खास राज्य है। ये पृथ्वी के चक्कर लगाने के हिसाब से सूरज की रोशनी लेता है। सभी राज्यों के नीचे सोलर बैटरीज लगी हुई हैं। यहाँ ज्यादातर फेडरल स्टेट के लिए बिजली पैदा की जाती है और माइक्रोवेव से सभी राज्यों को बिजली दी जाती है। तो इसका मतलब आप लोग तेल और कोयला इस्तेमाल नहीं करते? इस तरीके से तो हवा भी गंदी नहीं होती। हम पृथ्वी के लोगों को आप लोगों से कुछ सीखना चाहिए। वैसे मुझे ये लोग कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। ये लोग बहुत घमंडी हैं, है ना? मुझे तो नहीं लगता। हमारे लिए यहाँ के लोगों का बर्ताव मुझे कुछ ठीक नहीं लगता शिजुका। मुझे तो इनकी हर बात में गड़बड़ लगती है। क्या तुम सबको ऐसा नहीं लगता दोस्तों? मुलाकात की खुशियां मनाते हैं। तुम्हारा शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। गा, 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 गा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप यहाँ हमेशा रह सकते हैं? हमारे परिवार वाले हमारी चिंता कर रहे होंगे और मुझे डोरेमोन को भी जल्द से जल्द ठीक करना है। लेकिन क्या आप यहाँ से वापस जा सकते हो? पापा, अब तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। क्या आपको याद नहीं कि दक्षिणी टापू का एक लड़का कुछ दिन पहले एक लिप्टोडॉन पर चढ़कर भाग गया था? हाँ, क्या कहा तुमने? मुझे पूरी बात बताओ। शांत बैठने के लिए शुक्रिया। अब हम सेंट्रल स्टेट की सेंट्रल सिटी में उतर रहे हैं। वाह, बादलों में इतना बड़ा शहर। हम जल्द ही सेंट्रल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम पहुंच चुके हैं। अब मेरे पीछे आइए। यहाँ तो अलग अलग तरह के यूएफओ हैं। यहाँ एलियंस भी हैं। क्या एलियंस? मैंने तो सुना था कि 5 पृथ्वीवासी आए हैं। 2 भाग गई हैं। गोरियो उन्हें लेने गया है। वो जल्दी ही आ जाएगा। अच्छा, ये बताओ क्या उन्हें नोहास प्लान के बारे में पता है? नहीं, अभी तो नहीं। अगर मैंने उन्हें बता दिया तो वो परेशान हो जाएंगे। देखो, वो लोग चुपचाप बात कर रहे हैं। दाल में जरूर कुछ काला है। मेघलोक फेडरेशन में आपका स्वागत है। ये हमारे तरफ से आपके लिए एक तोहफा। वाह, कितनी सुंदर है। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। क्या मैं ये ले सकती हूँ? हाँ, ये वाली। क्या हम भी इनमें से एक ले सकते हैं? हाँ, आप भी ले सकते हैं। सच में? ठीक है, जब मैं घर वापस जाऊँगा मॉम को दे दूंगा। मेरी मॉम को भी ये बहुत पसंद आएगी। ठीक है, मैं आपको जिस जगह पर चाहेंगे वहीं ले जाऊंगी। तो कहाँ चले? हाँ, मैं मेघलोक के बारे में और जानना चाहती हूँ। तो ठीक है, सिटी हॉल चलते हैं। मैं वहाँ बहुत बार गई हूँ। वहाँ आप सबको बहुत मजा आएगा।
बताओ, टगारों का घर कहीं आसपास है या दूर है? दूर है, और आपके पास वहाँ जल्दी पहुँचने का कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। सुनो डोरेमोन, अपना गैजेट जल्दी से निकाल दो। समझते क्यों नहीं, ये वक्त अजीब हरकतें करने का नहीं है। डोरेमोन चलो। मुझे लगा कुछ हिल रहा है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे उन्हें अंगूठी दे देनी चाहिए थी। अब तुम शांत भी हो जाओ। आखिर तुम दोनों उनसे छुप क्यों रहे हो? वो तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता वो अपनी जगह हमें फिर से ले जाएं। वो नदी के उस किनारे रहते हैं। ओ, क्या करूं? ये झील तो बहुत बड़ी है, हम इसे पूरे दिन में भी पार नहीं कर पाएंगे। अरे वाह, वो देखो। क्या तुम हमारी मदद करोगे? वाह, अगर मैं सुनियो को बताऊं कि ऐसा हुआ था तो वो बहुत जलेगा। डोरेमोन, तुम तो उसे बता सकते हो ना? मैं ये भूल गया था। हमें इस पे चढ़ना है। हाँ। आप इसमें आराम से बैठिएगा। धन्यवाद। अरे वाह, ये क्या है पारू पारू? ये ऑडियंस सीट है। क्या कहा? ये होलोग्राम है, इसीलिए हम अपने हिसाब से बैठकर देख सकते हैं। बस शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, हमारा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। इस तरह पृथ्वी का जन्म हुआ। चलो इसे और नजदीक से देखते हैं। प्राणियों का जन्म समुद्र से हुआ था। कुछ जीव महान लैंड पर चले गए थे। और उन्हें वहाँ की हरियाली और जन्नत बहुत पसंद आई, तो उन्होंने वहीं रहने का फैसला कर लिया। वक्त बीतता गया और फिर उनके बच्चे पैदा हुए। किंग व्हाइट वहां का राजा था और शांति से तारा था। एक दिन जन्नत पर कब्जा करने के लिए किंग रेड, किंग ग्रीन और किंग ब्लैक के बीच में बहुत जबरदस्त युद्ध शुरू हो गया। किंग व्हाइट को लड़ाई से नफरत थी। गया।
किंग वाइट को जन्नत से भगा दिया गया और वो जान बचाकर पहाड़ पर चले गए और अब वो बहुत परेशानी में थे। कॉमेट अंतरिक्ष से निकल कर आया और उसने पूरे पहाड़ को ढक लिया। जब कॉमेट चला गया तो हर तरफ धूप निकल आई। सभी जानवरों ने देखा कि वो बादलों पर चल सकते थे। किंग वाइट बहुत खूबसूरत जन्नत बनाना चाहते थे, लेकिन वो तीन बुरे किंग्स उससे जलने लगे और उसके ऊपर तीरों से हमला किया। ओ गॉड, हमारे जन्नत की रक्षा करो। किंग वाइट के दिमाग में बस यही चल रहा था। आखिर में काले बादलों ने धरती को ढक लिया और तेज बारिश शुरू हो गई, जो कि कई दिनों तक चलती रही। बारिश बिल्कुल नहीं रुकी और धरती के सभी प्राणियों को साथ बहा ले गई। उसके बाद किंग वाइट ने बादलों पर एक नई जन्नत बनाई। शुक्रिया, मुझे यकीन है ये वही लड़का है। अरे सुनो डोरेमोन, जल्दी चलो ना। हे, तुम डोंजारा विलेज के हो ही हो ना? हाँ। ये लोग कौन हैं? मुझे लगता है कि इसे कुछ याद नहीं। याद करो, उस दिन पहाड़ पर बर्फ पड़ रही थी और तुम ठंड से जम ही जाते अगर नोबिता और उसके दोस्त तुम्हारी मदद ना करते तो। गा गा। अरे आइए आइए, फिर तो आप सच में मेरे जीवन दाता हो। ओ टैगारो, तुम्हारे दोस्त आए हैं, प्लीज आप सब लोग अंदर आ जाइए। शुक्रिया। अच्छा, तुमने अपनी जन्नत बादलों पर बनाई है? हाँ। अच्छा, और तुम अपनी जन्नत ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। तुम्हें क्या हुआ था? मुझे तो सोचते हुए भी डर लग रहा है। उस वक्त हम समुद्र में गुम हो गए थे और बहते हुए एक टापू पर पहुँच गए थे, लेकिन अचानक टापू पर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और हम टापू से भी बह गए। जब मैं लकड़ी पकड़ने की कोशिश कर रहा था तभी एक यूएफओ हमें अपने साथ ले गया। वो सब कुछ उस जादुई शक्ति की वजह से हुआ। जादुई शक्तियों ने कुछ नहीं किया। अगर हम पृथ्वी पर वापस नहीं जाएंगे तो मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान होगी। इसलिए तुम वहाँ से भाग निकले, लेकिन ऐसे तुमने किया कैसे? मैंने उस कछुए से दोस्ती कर ली थी। मैं जानता था कि वो अपना घोंसला अपने मजबूत हाथों से खुद ही बनाता है, इसलिए मैंने सोचा कि हम बादलों के नीचे से आसानी से निकल सकते हैं। हम वहाँ से निकलना चाहते थे पर पहाड़ी का तापमान बहुत कम था, पर हम फिर भी वहाँ से कूद के निकल गए। अच्छा, तुम बस मुसीबत में पड़ने वाले थे? ये तो बहुत दुख की बात थी। तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी की, आज के बाद ऐसा करने की कोशिश मत करना। हमें उस जादुई शक्ति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मैं समझ गया। मैं हर हालत में यहाँ से निकलना चाहता हूँ और मुझे डोरेमोन को ठीक भी करना है। आप हमारी मदद करेंगे? मुझे अपने दोस्तों की भी मदद करनी है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द जन्नत पर जाना होगा। एक तरीका है, पर इसमें थोड़ा सा जोखिम है, पर ये प्लान अच्छा है, हम वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ।
ब्लांड स्टार के मिनिस्टर आ रहे हैं। मैंने न्यूज में सुना था, शायद ये लोग बहुत ही जरूरी काम के लिए यहाँ आए हैं। ये है इस मेघलोक का पार्क जो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ तो बहुत कम लोग हैं। तुमने सही पहचाना, दरअसल यहाँ की जनसंख्या बहुत तेजी से कम हो रही है, जो चिंता की बात है। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ की हवा बहुत खराब होती जा रही है। ओजोन लेयर में बहुत से छेद हो चुके हैं। हम लोग ऐसी जगह जाएंगे जहाँ का पर्यावरण अच्छा हो। पर्यावरण की दिक्कत तो हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि ये सब पृथ्वी वासियों का ही किया धरा है। ये तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। ये बहुत बड़े पक्षी हैं। कभी कभी जब ये अपने घर से निकल जाते हैं तो मेघलोक के लोगों को इनकी सलामती की चिंता हो जाती है। हाँ, ये तो बहुत बड़े हैं और साथ ही साथ बहुत लंबे भी। मुझे यकीन है कि अगर हम इसके ऊपर चढ़ जाएं तो यहाँ से आसानी से जा सकते हैं। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास एक चीज है, इससे हम जानवरों को काबू कर सकते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा, तुम्हें अब याद आया? मुझे यकीन है मिस्टर स्वॉलो के ऊपर तुम ही थे। हम इसकी मदद से यहाँ से निकल सकते हैं। टैगारो, चलो चले। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जा सकता। क्यों? मुझे मेघलोक के लोगों ने यह अंगूठी दी थी, इससे हम उनसे बात कर सकते हैं। एक बार अगर इसे पहन लिया जाए तो इसे उतारा नहीं जा सकता। इसलिए अगर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा तो तुम जरूर उनके हाथों पकड़े जाओगे। टैगारो, आशा करता हूँ कि तुम कामयाब हो। मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ करूँगा। ये लो। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना टैगारो। तुम दोनों इस पर संभल कर बैठना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया हुई। तो चलो यहाँ से चलते हैं डोरेमोन। बहुत तेज बारिश होगी, पृथ्वी वासियों की दुनिया पूरी बह जाएगी। क्या कहा, पूरी बह जाएगी? ये तो गलत बात है। हाँ, बात तो गलत है, लेकिन किसने जंगल बर्बाद किए, हवा और समुद्र को गंदा किया? अगर हम इसी हालत में रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब मेघ लोकवासी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, तब क्या होगा? पर फिर हमारा, लेकिन जो आप लोग करेंगे वो भी तो ठीक नहीं है। इस तरह तो वहाँ पर रहने वाले बचेंगे ही नहीं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग सभी इंसानों और जानवरों को मेघलोक में ले आएंगे। लेकिन ऐसा आप कब करेंगे? हम हर तरह के प्रयोग कर चुके हैं, अब फैसला यहाँ की सरकार के हाथों में है। लेकिन उससे पहले इस बारे में खुलकर बात की जाएगी। खुलकर बात की जाएगी? हाँ, सही सुना तुमने। और इतना ही नहीं, तुम लोग पृथ्वी वासियों की तरफ से बोलोगे, समझे? क्या, पृथ्वी वासियों की तरफ से? हम किसी तरह बच तो गए, लेकिन हमारा बादल कौन सा है? डोरा केक्स मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे भी बहुत भूख लगी है। क्या हुआ? कमाल है, इसे हमारी बात समझ कैसे आई? चलो शुरू करते हैं। एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाते हो। पेट भरने के बाद हमें वापस घर जाना चाहिए, और तुम्हें ठीक भी तो करना है ना डोरेमोन। चलो जल्दी खाओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखना।
ठीक है, तो अब जल्दी करो डोरेमोन। हमें क्या करना चाहिए? कुछ
कुछ देर के लिए मुझसे बिल्कुल बात मत करो। देख नहीं रहे, मैं सोच रहा हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि पृथ्वी की हवा दिन ब दिन खराब होती जा रही है? हाँ, पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही हालात रहे तो पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। तो फिर आप नोवास प्लान को लागू करेंगे? इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। फेडरल कोर्ट का आखिरी फैसला ये है कि मैं इस बटन को दबा दूं, और अगर मैंने इस बटन को दबा दिया तो इतिहास की सबसे भयंकर बाढ़ आ जाएगी और वो पूरी धरती को बहा ले जाएगी। हमारी प्यारी पृथ्वी इस समय बहुत बड़े खतरे में है। पृथ्वी ने अरबों लोगों को बेशकीमती चीजें दी हैं, लेकिन पृथ्वी कुछ ही सौ सालों में खत्म हो जाएगी, और इसका कारण है कि ये लोग खतरनाक रसायन बिना सोचे समझे फेंक रहे हैं, जिससे आकाश, समुद्र और धरती प्रदूषित होते जा रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ये बहुत बुरी बात है। और इससे भी ज्यादा डरावनी चीज है परमाणु हथियार। अगर इंसानों ने परमाणु युद्ध शुरू कर दिया तो न सिर्फ ये लोग बल्कि मेघलोक के लोग भी, पृथ्वी पर रहने वाला हर प्राणी, सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि बिना देरी किए नोवास प्लान को लागू किया जाए। सभी गवाहों को पेश किया जाए। पृथ्वी के लोगों ने जो पर्यावरण की बर्बादी की है, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। फ्रियोन गैस के कारण ओजोन की परत बर्बाद हो रही है। अम्लीय बारिश के कारण जंगल तबाह हो रहे हैं। वर्षा वनों को काटा जा रहा है। पहाड़ों पर आग लगनी शुरू हो गई है। वो लोग अचानक बड़ी बड़ी मशीनें ले आए और एक ही झटके में हमारे जंगलों को काट डाला। तुम्हारे परिवार का क्या हुआ? उन्होंने हमारे घर तोड़ डाले, हम सब बिखर गए। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ और किस हालत में है। पूरी दुनिया में इसकी ही तरह बहुत से जानवर हैं जिन्हें पृथ्वी के लोगों ने परेशान करके रखा हुआ है। मेरे दादाजी, पिताजी और मेरे भाई, सबको उन्होंने मार डाला। उन्हें क्यों मार दिया गया? हमारे दांतों के लिए, सिर्फ इसी एक कारण से इन्होंने ऐसा किया। आपसे गुजारिश है कि नोवास प्लान का आदेश दिया जाए। पृथ्वी वासियों के प्रतिनिधि अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। मजाक मत कीजिए, आखिर आप लोग क्या हमें राक्षस समझते हैं? हम भी इंसान हैं। आखिर ऐसी बारिश से हमारी दुनिया को बहा देना कौन सा अच्छा है? हमारी योजना पूरी होने के बाद हम हर एक पृथ्वीवासी की रक्षा करेंगे और सही सलामत उसे पृथ्वी पर वापस भेज देंगे। लेकिन फिर हमारे घरों का क्या होगा? हमारे स्कूल्स का क्या होगा? आपका मतलब हमें बिना किसी चीज के रहना होगा? करीब 10,000 साल पहले तुम्हारे पूर्वज इसी तरह से रहा करते थे, इसलिए अब तुम आराम से नीचे बैठ जाओ। कहना चाहते हो कि हमें वैसे रहना पड़ेगा? क्या मजाक हो रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिर्फ अपनी जिंदगी को आरामदायक बनाने के लिए हम इंसानों ने अपने आसपास की किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा, लेकिन हम लोग बदल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग कुदरत की अहमियत को समझ रहे हैं। सब इस पृथ्वी को बचाना चाहते हैं। इसमें कुछ वक्त जरूर लगेगा, हमें एक मौका और दीजिए। इसलिए हमें और वक्त चाहिए, हमें और वक्त चाहिए। मुझे इन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। पृथ्वीवासी झूठे और मक्कार हैं। हमें इसके लिए कोई सबूत चाहिए। प्लीज रुक जाइए, ऐसा करना गलत होगा। ये बच्चे यहाँ पर बिना किसी इंतजाम के आए हैं। मुझे लगता है आपको इन्हें कुछ और वक्त देना चाहिए। प्लीज मान जाइए। अदालत की कार्यवाही स्थगित की जाती है। तुम लोग परेशान मत हो, अब हम लोग घर जा रहे हैं। अब मैं काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है तो मुझे बता दो, तुम शर्माना नहीं। आखिर तुम हमारी इतनी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे तुम लोग बुरे नहीं लगते। तुम बाकी पृथ्वीवासियों से बहुत अलग हो, तुम लोगों का दिल बहुत साफ है। तुम्हारा शुक्रिया। कल हमें जो करना है उसके बारे में सोचते हैं। जियान सुनियो, हेलो जियान सुनियो। हमें हर हाल में पृथ्वी से संपर्क बनाना होगा। चलो हम ये सब आत्मरक्षक फौज को जाकर बता देंगे। और हम नेवी से भी बात करेंगे जियान। हाँ।
कोशिश करना बेकार है, तुम्हारी रिंग से हम तुम्हें पकड़ सकते हैं, समझ गए ना? अरे नहीं, ये निकल क्यों नहीं रही है? पेट्रोल कार, पेट्रोल कार का ही पीछा कर रही है। चार इंसान पेट्रोल कार में बचकर भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं। इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी है। क्या इससे तो पृथ्वी वासियों की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो हमारे पास एक ही रास्ता है। तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया आया क्या? इस डोरा केक को देखकर मुझे एक आइडिया आया है। अच्छा आइडिया? क्या कह रहे हो, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, इस दुनिया को बाढ़ से बचाने के लिए एक ही रास्ता है। मैं इस्तेमाल करूंगा क्लाउड रिटर्न गैस, समझे? वो क्या है? ये क्लाउड हार्ड गैस का उल्टा है, इससे बादल अपनी असली शेप में आ जाएंगे। इसे हम किसी भी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, सारे मेघलों के वासी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? उनसे बात करने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अरे ये लोग तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। अगर इंसानों को नोस प्लान के बारे में पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, इन्हें जल्दी पकड़ना होगा। डोरेमोन, यूएफओ गिर रहा है। इंसानों, अब तुम बच नहीं सकते हो। अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप हमारी बात मान लो। ये मेरा राज्य है, तुम ये सब मेरे राज्य में नहीं कर सकते, समझे? इन चारों को हमारे हवाले कर दो, जल्दी से। नहीं करेंगे, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वो भी इसी वक्त। क्या कहा तुमने? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। ये लोग तो चले भी गए। हाँ, क्योंकि ये यहाँ का राजा है, इसीलिए सब लोग इसकी बात मानते हैं। क्या कहा नोआस प्लान? मुझे लग ही रहा था कि बाढ़ का कारण स्काई ह्यूमंस है। ऐसी हालत में पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी, हमें कुछ करना चाहिए। आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास एक रास्ता है। उसे हम इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, लेकिन इससे वो डर जरूर जाएंगे। मगर वो रास्ता क्या है? इस टैंक के अंदर गैस है, इसमें से गैस लीक नहीं हो सकती, क्योंकि ये टैंक एक खास मेटल से बनाया गया है। अगर लीक हो गई तो ये जादुई दुनिया पानी बन जाएगी। और पता है, लॉन्च डिवाइस इस महल में रखा हुआ है। प्लान तो बहुत बुरा प्लान है। अभी सो जाओ, हम उन लोगों से कल बात करेंगे। सब ठीक है या नहीं, मुझे इस बात की चिंता हो रही है। मुझे नहीं लगता कि पारू पारू एक बुरी लड़की है। लेकिन आज जो चार लोग यहाँ पर आए, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे लोग हैं। सुनो, उस तोप को अपने कब्जे में करो, उसके बाद हमारी जीत पक्की है। हम यहाँ से सारे विलुप्त होने वाले जानवरों को ले जाएंगे। उन्हें बेचकर हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन रकून और वो लड़का बोल रहा था कि वो उसे कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बेकार की बात, अब तुम एक रकून की बात मानोगे? हम सिर्फ पैसे ही नहीं कमाएंगे, हम अपनी पृथ्वी को भी बचाएंगे। अच्छा, आसमान में बहुत सारे यूएफओज हैं। हाँ हाँ नोबिता, मुझे ये बात पता है, वो हमें देख रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम नोआस प्लान के बारे में ना जान पाए। हम तुमसे बात करना चाहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने एक गैस तैयार की है, जिसकी मदद से हम इस जादुई दुनिया को वापस असली बादल की तरह बना सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने नोआस प्लान को अभी रोक दें, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। पृथ्वी वासियों ने चेतावनी दी है कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो मेघलोक को खत्म कर देंगे। पर ये बात कहना मुश्किल है कि वो सच कह रहे हैं या झूठ। ऐसा सुनने में आया है कि एक छोटा लड़का राजा है और उसका सलाहकार एक रकून है, और हमारी डोरेमोन, वो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। शिज़ुका, ये तो तुम्हारे दोस्त है ना, चलो जल्दी से उनके पास चलते हैं। हाँ।
मुझे पूरा यकीन है डोरेमोन उसका इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। पारू पारू, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। तुम्हारा ध्यान जैसे ही हटेगा वो हमला कर देंगे। फिक्र मत कीजिए, मैंने उससे बचने का इंतजाम भी कर लिया है। अगर वो यहाँ पर भी घुस गए तो हमारे पास ये ताज है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज, फिर हम चुप क्यों बैठे हुए हैं? हमें उनके ऊपर इसी वक्त हमला करना चाहिए। नहीं, आपकी जय हो। देखा, सब हमारी बात मान रहे हैं। हम चाहते हैं वो नोआस प्लान के बारे में फिर से सोचे, क्या कहते हो? ठीक है। अरे ये क्या, एक यूएफओ हमारी तरफ आ रहा है। कौन यूं? हो सकता है वो हमसे लड़ाई करने आ रही हो। डोरेमोन, हमें कुछ करना होगा। पकड़ लिया। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये ठीक नहीं है। वापस करो मुझे। अब से तुम्हारा राजा मैं हूँ। उठो नहीं इसी तरह से झुके रहो। ठीक है। इनके हाथ पैर बांध कर इन्हें किसी कमरे में बंद कर दो। अब हम बड़े आराम से शिकार करेंगे। डोरेमोन कहाँ पर है? स्वागत है, स्वागत है, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। अब तुम यही रहोगे। तुम लोग यहाँ पर? नोबिता। डोरेमोन, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? डोरेमोन, इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो अब मैं अपनी तोप चलाने जा रहा हूँ। जोर का धमाका। कैसे बचोगे? अगर उनकी जगह मैं होता तो उसका इस्तेमाल कभी नहीं करता। तुम कुछ नहीं कर सकते क्या डोरेमोन? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे इस शहर के सारे लोगों को बचाया तो जा सकता है, लेकिन आखिर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो डोरेमोन? अरे उन्होंने हम पर हमला कर दिया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें जवाबी हमला करना होगा। सैनिकों पर हमला करो। वो लोग हमारे करीब आ रहे हैं, हमें जल्दी कर लो हमले, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। दरअसल ये जादुई दुनिया इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। हे, सुनो, दरवाजा खोलो, खोलो प्लीज। अब हम क्या करेंगे? अब हमें टैंक को हर हाल में खोलना ही पड़ेगा नोबिता। लेकिन हम ऐसा करेंगे तो हमारी जन्नत? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं कुछ करता हूँ। पारू पारू, मेरे दोस्तों का ध्यान रखना। डोरेमोन, ठीक है।
मुझे काला डोरेमोन। इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और हमारे मेघ लोग को बचा लिया। मुझे लगता है हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पृथ्वी वासियों में अब भी कुछ अच्छे लोग बाकी हैं। मैं नोबिता और डोरेमोन को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इन्हीं दोनों की वजह से आज हम अपना गांव फिर से बसा पाए हैं और हम सब अब बहुत खुश हैं। और हमारे लिए भी, नोबिता और उसके दोस्तों ने हमारे लिए एक टापू बना दिया है जिसमें हमें भी घर मिल गया है। अब हम लोग बहुत खुश हैं। डोरेमोन, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। क्या मैं भी कुछ बोल सकता हूँ? प्लांस्टार के मिनिस्टर, नोबिता तुमसे बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? चलो पहले डोरेमोन के लिए कुछ करते हैं। दरअसल मैं पृथ्वी से हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तब इन बच्चों ने मेरी जान बचाई थी। आज मैं चल फिर पा रहा हूँ तो सिर्फ इनकी मदद से, और सिर्फ इनकी वजह से मुझे बहुत सारी बातों का पता चला। और फिर उसके बाद मुझे एक नए प्लांट स्टार के बारे में पता चला, और मैं इस स्टार के बारे में और ज्यादा जानने के लिए यहाँ पर चला आया। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। अगर ये ना होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो सच में तुम कीबो हो? अब तुमने मुझे पहचान लिया नोबिता। कीबो, हम बहुत समय बाद मिले हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डोरेमोन। दोस्तों, ये सच है कि पृथ्वी की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि पृथ्वी वासी अब ये समझ चुके हैं कि उन्हें हर हालत में प्रकृति को बचाना है। इस पर काम धीरे चल रहा है, लेकिन बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है। मेरी आप सबसे विनती है कि हमें उन्हें सब्र से देखना चाहिए और कुछ वक्त और देना चाहिए। तब तक प्लांट स्टार मेघ लोक के जितने भी निवासी हैं उन सबको अपने पास रखेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कीबो। शुक्रिया कीबो? अरे नहीं, मुझे तो पेड़ों के राजा कहना चाहिए, है ना? प्लीज, आप तो मुझे कीबो ही कहिए। हम पेड़ पौधों को जरूर बचाएंगे। हाँ जरूर बचाएंगे ना दोस्तों? हाँ, वादा करता हूँ मैं भी। ये हम सबका वादा है। मैं तुम सब लोगों को कभी नहीं भूल पाऊंगी, और जब एक दिन पृथ्वी रहने के लिए शांत जगह बन जाएगी तो हम वापस आएंगे। ये मेरा तुमसे वादा है। हम उस दिन के लिए बहुत मेहनत से काम करेंगे, ये मेरा वादा है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। बाय बाय। चलो अब वापस चले। हाँ, चलो वापस चलते हैं। रुको एक मिनट, अगर हम अभी वापस जाएंगे तो हम सबकी मॉम्स बहुत गुस्सा करेंगी। तुमने सही कहा, मैं डायल को थोड़ा पहले के समय पर सेट कर देता हूँ, तब तो हम अपना होमवर्क भी कर पाएंगे। हाँ।